हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास। और यहां पर आज आपका जो है चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 है, तो यहां पर हम उससे रिलेटेड जो है नोट्स बनाएंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है आपको यहाँ पर। देखिए, हमने कल जो है चैप्टर में बहुत सारी बातें जो है जान ली थी, यानी कि कैसे कैसे यहाँ पर हमने आंदोलन को जो अखिल भारतीय चरित्र बना है, उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, बंग भंग विरोधी आंदोलन जो हुआ है, सब कुछ जान लिया था। यानी बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप जो उपरांत जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन फूटा, स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्या जो स्वदेशी आंदोलन था उसने कैसे अखिल भारतीय चरित्र को प्राप्त किया है, तो ये सब बातें हमने कल वहाँ जान ली थी। अब बात करते हैं, कल हमने ये भी जान लिया था कि वो आंदोलन फूटे और आंदोलन फूटने के कुछ ही दिनों बाद वो बंद भी हो गए। बंद इसलिए हो गए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी खामियां भी थी, जैसा कि कल हमने उसी खामियां भी गिनाई, क्या क्या खामियां रहीं, जो उग्रवाद वाले क्रांतिकारी समर्थक थे उनकी क्या क्या खामियां रहीं, जिसकी वजह से आंदोलन धीरे धीरे करके उनका दमन हो गया, ठंडे पड़ गए। तो आज यहाँ पर अब बात करते हैं, अगला नया जो आपकी हेडिंग है यह है क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास। देखिए, पहली बात तो अपने माइंड में स्पष्ट कर लीजिए, आतंकवाद यानी कि आतंकवाद जैसे ही शब्द आता है तो आतंकवाद का मतलब होता है ऐसी विध्वंसकारी कोई भी गतिविधियां जो समाज के लिए हितैषी नहीं होती हैं, समाज के लिए, मानवता के लिए हितैषी नहीं होती हैं, वो सभी आतंकवाद की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, और यहां पर बात करें क्रांतिकारी आतंकवाद, तो देखिए क्रांतिकारी आतंकवाद की बात कर हम यहाँ पर दो तरह के आतंकवाद की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी एक तो यहाँ पे हो गया बैड टेररिज्म, यानी कि एक तो बहुत बुरा यानी कि बुरा आतंकवाद, और एक अच्छा आतंकवाद। तो क्रांतिकारी आतंकवाद जो कह सकते हैं हम यहाँ पे, वो अच्छे आतंकवाद के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी अच्छे आतंकवाद। अच्छा आतंकवाद कैसे है बता रहा हूँ। जैसे अब जैसे क्या था, एक लंबे समय तक भारतीय जनता थी, भारत के तमाम युवा थे, शिक्षित होते जा रहे थे, वो ये देखते आ रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना हो गई है, 20 साल गुजर गए हैं, बंगाल का विभाजन भी हो गया है, उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो युवा थे, युवा जो होते हैं उनका खून बहुत जल्दी खोलता है, बहुत जल्दी मतलब गर्म होते हैं। तो युवाओं के मन में ये आया, क्यों ना अब हम डायरेक्ट आक्रमण की नीति अपनाएं, यानी क्रांतिकारी एकदम आतंकवाद वाला रुख अपनाएं। जैसे कोई अधिकारी आ रहा है, अधिकारी की हत्या कर दी हमने, या फिर किसी और अफसर को मार दिया, किसी बड़े अफसर पर हमला करवाया, ऐसे करके सरकार जो प्रशासन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, प्रशासन को डर लगने लगेगा, भय लगेगा, और वो हमें हमारी आज़ादी देकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर कभी भी जब आतंकवाद का जो मसला आता है तो क्या करती है सरकार एक कठोर रुख अपनाती है। सरकार यानी कोई भी सरकार हो, चाहे वो तब अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, यानी कि आप सिस्टमेटिक रूप से अपनी बात तो रख सकती है, लेकिन आप अगर कोई भी गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो यकीन मानिए आपका दमन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात वो समझ नहीं पाए, उन्हें ये लगा कि शायद हम ये हमारा जो प्लान है सक्सेस रहेगा, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा, ये बात उनके लिए बहुत भारी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा जैसी बातों ने क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म दिया। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यही है। पहला सब पॉइंट है, बंगाल के युवकों ने व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों और बम की राजनीति का सहारा लिया। बम यानी कि बम फोड़ रहा है जगह जगह, ठीक है, तो बम की राजनीति का सहारा लिया है। अब देखिए, ये जो युवा थे जो क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा ले रहे थे, वो कुछ क्रांतियां हुई थी उस समय, जैसे आयरलैंड की क्रांति हुई थी, आयरलैंड में आतंकवादियों ने वहां पे क्रांति की थी, यानी वहां के आतंकवादी जो थे और रूसी जो विध्वंसवादी थे उन्होंने अपनी गतिविधियां अपनाई थी। तो इन सब से ये लोग बहुत प्रभावित थे, इनका मानना भी यही था कि वहां पर जैसे इन लोगों ने आतंक यानी कि वहां पर मार काट या हत्या करके इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है, हम भी इसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, ये उन्हें ऐसा लग रहा था, जबकि यहां पर स्थितियां बिल्कुल उलट थी। तो यहां पर अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले का सेकंड सब पॉइंट है, क्रांतिकारी युवकों ने जनाक्रांति लाने की कोई कोशिश नहीं की। यानी क्रांतिकारी युवकों ने जनाक्रांति यानी जनक्रांति लाने की बजाय उन्होंने आयरलैंड के आतंकवादियों और रूसी ध्वंसवादियों की विधियां अपनाने का फैसला किया। ठीक है, यानी कि अलोकप्रिय अधिकारियों का वध किया जाए, ये नोट कर लेना है। यानी कि उन्होंने कोई जनक्रांति है, जनक्रांति का मतलब क्या होता है, हम जन जन तक हमें जागरूक करना, जन जन के मन में आज़ादी की भावना जगानी है, ऐसा कोई काम नहीं किया। यानी कुछ चुनिंदा युवक थे, जैसे हम और आप एक यंग एज वाले पर्सन हैं, तो उन्होंने केवल यंग जो वाले लोग थे उन्हीं टारगेट कर लिया, केवल ये लोग हमारे साथ मिल जाएं और हम जैसे तैसे जो है अंग्रेजों का दमन करके कैसे भी करके जो है सत्ता हासिल कर लेंगे, स्वाधीनता हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इनका यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण था इनके हारने का, क्योंकि इन्होंने जनता को अपने फेवर में नहीं लिया है। तो पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए क्रांतिकारी आतंकवाद का जो विकास था
वो 1897 में ही हो चला था, लेकिन बाद के सालों में जब बंगाल का विभाजन हो गया उसके बाद ये खुलकर सामने आ गया है। कैसे उचला है वो भी हम जान लेते हैं। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास 1897 में ही हो चुका था जब चाबेकर भाइयों ने पूना में दो बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का वध कर डाला था। सेकंड पॉइंट में जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे लिख लीजिए कि क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास 1897 में ही हो चुका था जब चाबेकर भाइयों ने पूना में दो बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, 1904 में जो है जो वीर सावरकर जिन्हें बोला जाता है, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन भी बनाया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट कर लेना, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया। देखिए 1905 के बाद जो विभिन्न समाचार पत्र थे इन्होंने आतंकवाद की पैरवी करने वाले समाचार पत्रों में बंगाल का संध्या था और संध्या और युगांतर था और महाराष्ट्र का काल सबसे प्रमुख थे। तो यहां पे अब चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पर बोलता जा रहा हूं 1905 के बाद क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले समाचार पत्र बंगाल की संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल सबसे प्रमुख थे। चौथा पॉइंट इसी प्रकार लिखेंगे, 1905 के बाद क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले समाचार पत्र बंगाल की संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल सबसे प्रमुख थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्रम में इन्होंने तमाम ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं, गणमान्य हैं जिन्हें मारने की कोशिश की गई, तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश सरकार चुप बैठने वाली नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था फिर से चाक चौबंद कर दी और अब इनका जो है अब बहुत सख्ती से दमन किया है, यानी कि अब उन्होंने बिल्कुल भी दया की बिल्कुल गुंजाइश नहीं की है, डायरेक्ट इन्हें फांसी पर चढ़ाओ इन्हें, ऐसा किया है उन्होंने। तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पर दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई। ठीक है, छठा पॉइंट नोट करेंगे, अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी, देखिए ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, खुदीराम बोस के साथ दूसरा क्रांतिकारी कौन था, इनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बदनाम यानी कि एक जज की बग्घी पर, जज किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंका। ठीक है, यानी कि छठा पॉइंट इस तरह से नोट करेंगे, 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्स फोर्ट की बग्घी पर बम फेंका। ठीक है, ये छठा पॉइंट है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के भय से खुद को गोली मार ली है, वहीं खुदीराम बोस को मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई है, और भारतीय इतिहास में खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई है। ये बात आप सब लोग ध्यान से जान लीजिए, सबसे कम उम्र के जब क्रांतिकारी का नाम आता है तो खुदीराम बोस का पहले होता है, खुदीराम बोस पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसने सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त की है। ठीक है, तो यहां पर छठे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, बोलता जा रहा हूं, बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उसको फांसी दे दी गई। ये छठे का सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रांतिकारी आतंकवाद के जो संगठन था उसमें सबसे प्रमुख कौन, एक समिति थी अनुशीलन समिति जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं थी। तो यहां पे सातवां पॉइंट नोट करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं, क्रांतिकारी आतंकवाद संगठनों में सबसे प्रमुख थी अनुशीलन समिति जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएं थी। क्रांतिकारी आतंकवाद संगठनों में सबसे प्रमुख अनुशीलन समिति थी जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएं थी। ठीक है, अब देखिए इसी के कुछ कैंडिडेट थे, यानी इनके जो अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य थे, इन्होंने दिल्ली में एक दरबार यानी एक सरकारी जुलूस का आयोजन हो रहा था, वहां पर इन्होंने जो वायसराय था उस समय लॉर्ड हार्डिंग्स इसकी बग्घी पर बंग फेंका था, जिसमें वो मरते मरते बचा था यानी घायल हो गया था। ठीक है, तो सातवें का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, बोलता जा रहा हूं इसके सदस्यों ने, लिखना है जैसे मैं बोला हूं, इसके सदस्यों ने दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में, इसके सदस्यों ने दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्रांतिकारी आतंकवाद वाले समर्थक जो थे, इन्होंने अपनी गतिविधियों के केंद्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि इन्होंने भारत से बाहर यानी विदेशों में भी खोले हैं। तो आठवां पॉइंट नोट करेंगे यहां पे, क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेशों में भी खोले। ठीक है, आठवें का पहला सब पॉइंट है, इसकी पहल लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल ने की। ठीक है,
आठवें का सेकंड सब पॉइंट, जबकि यूरोप यानी यूरोप में अन्य कंट्री आ गए, यूरोप में ये तो बात कर रहे हैं केवल केवल ब्रिटेन की यानी लंदन की, और यहां पर यूरोप में तो अन्य देश भी आ गए, अन्य देश हैं, तो वहां पर इसको पहुंचाने वाले यानी इनके प्रमुख नेता थे मादाम यानी मैडम भिकाजी कामा, इन्हें मादाम लिखा है या मैडम है ये, मैडम भिकाजी कामा और अजीत सिंह थे। ये आठवें का सेकेंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नवा पॉइंट एक यहां लिख लीजिए, आतंकवाद भी आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का रीजन ये था इनका कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं था, यानी नेतृत्व करता जो होता था उसे अंग्रेज पकड़ के उसे तो सूली पर चढ़ा देते थे, इसलिए कोई तैयार नहीं था इसका नेतृत्व करने के लिए, इसका मतलब कोई इस संगठन को कोई मतलब कड़ा नेतृत्व प्रदान करने के लिए कोई तैयार इसलिए नहीं था, क्योंकि ये सब घटनाएं जो की जाती थी वो गुपचुप तरीके से की जाती थी, ठीक है। तो इसलिए कोई नेतृत्वकर्ता ना होने की वजह से ये संगठन जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए हैं, यानी कि नेतृत्वकर्ता यहाँ पर तो है ये लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं थे भारत में, जैसे कि हाँ खुल के ही कहते हैं कि भाई हम हमारे अंडर में ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, इस टाइप के नहीं थे, ठीक है। तो वो छोटे मोटे थे गुपचुप तरीके से, तो गुपचुप तरीके से करने की वजह से ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। सबसे बड़ी बात सेकंड बात ये रही है कि इन्होंने जो जन है जन समर्थन लेने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है, इस वजह से इनकी हार का सबसे बड़ा ही कारण है। तो नवा पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 1905 से लेकर 1914 तक इसने क्या किया है, यानी 1905 से 1914 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रोल रहा है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए 1905 में ये आपको पता ही है इनका जो अधिवेशन होता था वो हर साल दिसंबर में होता है, ठीक है, दिसंबर में होता था, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था विभाजन, बंगाल विभाजन, उसके बाद गया दिसंबर में जो है इनका अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जब की थी गोखले ने की थी, ठीक है। इसने गोखले जी ने यहाँ पर कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन की यहाँ पर खुलकर निंदा की है, पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने राष्ट्र विभाजन की और कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की, ठीक है। पहले का सब पॉइंट यहाँ नोट करेंगे आप, राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर दो पंथ तो थे ही, नरमपंथी और गर्मपंथी, ये बात तो आप जानते ही हैं, नरमपंथी अपना चाहते थे, नरमपंथियों का जो रुख था उससे गर्मपंथी बिल्कुल असंतुष्ट थे, वो यानी कि वो बिल्कुल ये कह रहे थे भाई आपने 20 साल से तो आप थे ही से सत्ता में, 20 साल से तो आप तो संगठन बना हुआ था, तब तो आपने क्या कर लिया, तो अब आप साइड में हट जाइए। अब लेकिन नरमपंथी मानने को तैयार नहीं थे अभी भी, तो अब क्या है विवाद का एक विषय उत्पन्न होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर गर्मपंथी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में फैलाया, ठीक है, देश में फैलाया, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड का सब पॉइंट, नरमपंथी बहिष्कार को बंगाल तक और वहां भी केवल विदेशी मानों तक सीमित रखना चाहते थे, यानी नरमपंथियों का उस समय मानना था, यानी मतभेद का कारण यही था, यानी कि इन लोगों ने गर्मपंथियों ने क्या किया है इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणत कर दिया, चेंज कर दिया है एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को, जबकि नरमपंथियों का मानना था केवल और केवल बंगाल तक रखा जाए, बंगाल में विदेशी मानों तक रखा जाए, ठीक है। तो मतभेद होना तो स्वाभाविक है यहाँ पे, तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, वर्ष 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय पद के अध्यक्ष पद के लिए नहीं वर्ष 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों में विवाद हुआ, रस्साकसी मत लिखिए, दोनों दलों में विवाद हुआ, लेकिन अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, यानी कि 1906 में ही इनमें दरार पड़ गई थी, 1906 में ही ये लड़ने लगे थे अध्यक्षता कौन करेगा, किसका जो प्रभुत्व होगा कांग्रेस पर, तो इसके लिए गर्मपंथी और नरमपंथी लड़ने लगे थे 1906 से ही, लेकिन तब तो इनका विभाजन नहीं होता है। 1907 में आकर इनका सूरत अधिवेशन जब होता है, सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट नोट कर लिया है। अब तीसरे का सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, अंत में दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने का था, उससे नरम गर्मपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे, ये आप नोट कर लेना, थर्ड का सब पॉइंट पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है भैया, जब नरमपंथियों का वर्चस्व हो गया संगठन पर द्वारा, अब गर्मपंथी अलग थलग पड़ गए, गर्मपंथियों में तीन चार नेता थे गिने चुने, तो सरकार को ये मौका मिल गया, सरकार ने जी भरकर उनका जो है दमन किया है, तमाम तरह के जो है कानून यानी तमाम तरह की उन पर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है, लंबी लंबी सजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, गर्मपंथियों की एक तरह से हौसला टूट गया है, गर्मपंथी की तरह से उन्होंने अपना आंदोलन जो है ठंडा कर लिया है, अब नरमपंथी अब सत्ता में दोबारा आ गए हैं,
तब अंग्रेज ये चाहते थे भाई कि अब नरमपंथी जो दोबारा आए हैं तो अब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो ताकि जो गर्मपंथी हो दोबारा पैदा हो सकें। तो उन्होंने नरमपंथियों को अपने फेवर में लेने के लिए तमाम तरह से उन्हें मन समझाने के लिए तमाम तरह के कानून लाने की कोशिश की है, जैसे 1909 का मार्लीमेंटो सुधार था, यानी कि संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। ये भी घोषणा की कि 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा भी कर दी। तो ये सब नरमपंथियों को खुश करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने, देखिए बोलता जा रहा हूं, ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथियों का दमन किया, ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथियों का दमन किया और नरमपंथी राष्ट्रवादियों खुश करने के लिए उन्होंने और नरमपंथी राष्ट्रवादियों खुश करने के लिए उन्होंने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में सांवैधानिक सुधारों की घोषणा की, ठीक है, सांवैधानिक सुधारों की घोषणा की। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, इसी कानून को 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी इसी कानून को 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। देखिए पॉलिटी जब करेंगे लक्ष्मीकांत की तो वहां पे शुरुआत में ही है, सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या क्या था क्या क्या नहीं था इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे, या टेंशन मत लीजिए आप। पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, माली मिंटू वाला सुधार है, माउंटिंग चेम्सफोर्ड है, ये सब हम वहां पे पढ़ लेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम दोबारा, ठीक है, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। और पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, 1911 में सरकार ने बंगाल का विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा भी की, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है, यानी कि 1911 में जो समाप्त हुई है घोषणा, बंगाल विभाजन समाप्त करने की घोषणा हुई, इसके बाद क्या हुआ है, नहीं यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिया गया है। अब यहां पर क्या है, बिहार और उड़ीसा नाम से दो प्रांत इससे अलग करके बना दिए गए हैं, अब ये चीज हुई है 1911 में आके, ठीक है। ये पांचवें का सब पॉइंट नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए माले मुंटे सुधारों के तहत क्या हुआ कि इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो थी काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में जो चुने हुए सदस्य थे उनकी संख्या यहां पे बढ़ा दी गई है। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, माले मुंटे सुधारों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए 1905 का पहला सब पॉइंट है, 1909 के सुधारों का वास्तविक उद्देश्य जो था वो नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था, ये आप लिख लेना आप। छठे सॉरी पांचवें का सब पॉइंट, हाँ पांचवें का नहीं है, छठे का सब पॉइंट होगा ये, पांचवा पॉइंट तो ऊपर मैं लिखवा चुका हूँ, ये छठे का सब पॉइंट है, ये छठा पॉइंट है और ये छठे का पहला सब पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जो है एक चीज और की गई थी, मार्लीमेंटो वाला जो था आपका ये सुधार, इसमें एक चीज और लेके आए थे, सॉरी यहां पर छठे का सेकंड सब पॉइंट है, इसमें सभी मुसलमानों को मिलाकर उनके अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे और इन क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे, ये और नोट कर लेना छठे का सेकंड सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगली देखिए हेडिंग तो नहीं है, अगली हेडिंग इसमें आपकी जो पुस्तक में जो हेडिंग थी वो थी सांप्रदायिक यानी संप्रदायवाद का विकास, तो वो हेडिंग नहीं थी एक्चुअली, निबंधात्मक रूप से लिखा गया था, यानी जो जो आपने पढ़ा है जो जो मैंने बताया है मुंह से बोल बोल के वही सब विश्लेषण किया था उसमें, उसमें कोई फैक्ट नहीं था, कुछ भी लिखने लायक नहीं था, क्योंकि आप सब ऑलरेडी बात है वही सब जानते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, बस आप किताब उठा के बाद पढ़ लेना। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो नोट डाउन करने वाले थे, नोट डाउन करने के लायक थे, उन्हें मैंने अलग अलग निकाल लिया है और उन्हें सेपरेट करके मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए, अब नई हेडिंग है, ये हेडिंग आप बना लीजिए मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब कहाँ और क्यों हुई है ये हम जानेंगे इसमें, तो हेडिंग डाल लीजिए मुस्लिम लीग, ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, 1906 में आगा खान ने, ये थे ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, पहला पॉइंट यही है, 1906 में आगा खान ब्रैकेट में ढाका के नवाब और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी एक वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई, ठीक है, एक रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई, ये पहले का पहला सब पॉइंट है। पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए उसने उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की, यानी मुस्लिम लीग ने जो थी शुरुआत में उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की है, बंगाल के विभाजन का इन्होंने समर्थन किया है और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष
सुरक्षा प्रावधानों की मांग की है। यानी इन्होंने ये कहा है कि सरकारी नौकरियों में जो मुसलमान हैं उनके लिए स्पेशल कोटा यानी कि सुरक्षा प्रावधान निर्धारित किए जाएं, इस तरह की मांगें रखी हैं इन्होंने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। सरकार तो यही चाहती थी कि भाई फूट पड़े, दरार पड़े, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित ही नहीं हो पाए और हमारा शासन यहाँ पे लंबे समय तक बना रहे। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे पहले का। वायसराय लॉर्ड मिंटो की सहायता से उसने अलग चुनाव मंडलों की मांग उठाई और उसे मनवा भी लिया। यानी कि जो आगा खान था, जो ढाका लीग, सॉरी आगा खान ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड मिंटो की सहायता से उन्होंने किया, अलग चुनाव मंडलों की मांग भी की है और एंड में मार्ले मिंटो सुधारों में से मनवा भी लिया है, ठीक है। तो ये पहले का थर्ड सब पॉइंट था। देखिए पूछा जाता है कि ये जो अलग से चुनाव जो था या निर्वाचक मंडल की जो मांग थी वो किसने शुरुआत की थी उसकी, मुस्लिम लीग ने ही मांगी थी, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसी के समकालीन यहाँ पे कुछ और मुस्लिम व्यक्ति भी रहे हैं, कुछ मुस्लिम संगठन भी रहे हैं जिन्होंने तमाम और आंदोलन स्थापित किए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, एहरार आंदोलन, ठीक है, ये अगली हेडिंग है आपकी, एहरार आंदोलन, ठीक है, हेडिंग डाल ली होगी आपने। तो इसी में पहला पॉइंट नोट करेंगे, इसी समय मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और मजहरुल हक ने के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन की स्थापना हुई। देखिए मुस्लिम लीग के अलावा अन्य जो मुस्लिम संगठन थे वो ऐसा नहीं था कि वो यानी कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं थे या राष्ट्रवाद राष्ट्र का हित नहीं चाहते थे, वो राष्ट्र के हित में ही थे। केवल मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे वो शुरुआत में जो राष्ट्र के हित में नहीं थे, उग्र आंदोलन के हित में नहीं थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, जबकि अन्य जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, वो अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लेना कि इन्होंने स्थापना की है इसकी, तो पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट यह नोट करेंगे इसी में, ये युवक अलीगढ़ संप्रदाय तथा बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी की राजनीति को नापसंद करते थे। यानी कि जो एहरार आंदोलन के जो समर्थक थे वो जो बड़े नवाब थे जो अंग्रेजों के हितैषी बने हुए थे उनकी राजनीति को ये नापसंद करते थे। इनका मानना यह था कि सुशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर ये उग्र राष्ट्रवाद की सक्रिय भागीदारी के पक्ष में ये प्रचार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सेकंड पॉइंट भी नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपने एहरार आंदोलन देख लिया यहाँ पे। अगली यहाँ पे देखिए निकल के आता है एक देव यानी मदरसा देवबंद या देवबंद मदरसा, इस तरह से लिख लीजिए देवबंद मदरसा। ये कुछ ऐसे संगठन मुस्लिमों के रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया है बल्कि ये हिंदुस्तान के हितैषी रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये कहना गलत होगा कि सभी मुसलमान जो थे अंगेस्ट थे उस समय, सभी मुसलमान अंगेस्ट नहीं थे, बहुत सारे मुसलमान जो है फेवर में थे, आज़ादी की फेवर में थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्र यहाँ पे नोट करेंगे पहला पॉइंट, ऐसे ही राष्ट्रवादी भावनाएं पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं के एक भाग में भी उभर रही थी, ठीक है, जिनका नेतृत्व मदरसा देवबंद करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सब पॉइंट है, इन विद्वानों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल के आगे 1912 लाल देना, यानी 1912 में प्रकाशित किया गया इनके द्वारा, अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। ये इसका सब पॉइंट है, यानी इसमें ब्रैकेट में लिख लेना 1912 में स्थापना, तो आपको याद रहेगा अल हिलाल की स्थापना कब की गई है, अल हिलाल को प्रकाशन कब से किया गया है, या 1912 में प्रकाशन स्थल लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो देवबंद मदरसा है इसके समर्थकों में कौन कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली आजाद, ठीक है, यानी अबुल कलाम आजाद जिन्हें बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरे युवकों ने साहस और निर्भयता का संदेश दिया और कहा कि इस्लाम और राष्ट्रवाद का आपस में कोई विरोध नहीं है। यानी कि जो रूढ़िवादी मुस्लिम थे वो ये मानते थे कि भाई ये हमारे इस्लाम में ये चीजें नहीं है, यानी इस तरह की जो हम राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में शामिल हो रहे हैं ये सब हमारे धर्म में नहीं है, जबकि इन्होंने बिल्कुल इस बात को नकार दिया है। इन्होंने ये कहा है इस्लाम और राष्ट्रवाद का कोई आपस में कोई विरोध नहीं है, हम अपने राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत रखेंगे, ठीक है, इनका ये मानना था। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट डाल के लिखने वाली बात है इसके नीचे, इसके अलावा जो मुसलमान है वो कैसे मतलब उग्र राष्ट्रवाद के समर्थन में आ गए वो भी भावना जानते हैं, आने का कुछ रीजन था, उस रीजन के मतलब वो रीजन क्या था वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए 1911 में क्या होता है, पहला पॉइंट नोट करेंगे, 1911 में इसी में नोट वन में है,
नोट में ही पहला पॉइंट है, ये याद रखना, नोट में ही पहला पॉइंट है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई है, और 1912-13 में तुर्की का बालकन देशों से युद्ध हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, पहले का सब पॉइंट, यानी इस समय जो तुर्की का शासक था वो स्वयं को खलीफा यानी कि तमाम मुसलमानों का धर्मगुरु भी मानता था। इसके अलावा तमाम जो मुसलमानों के पवित्र स्थल थे वो तुर्की साम्राज्य में स्थित थे, तो ऑब्वियसली बात है भारतीय लोगों की जो मुसलमानों की आस्थाएं हैं यानी कि उनका जो लगाव है तुर्की के सुल्तान के प्रति रहा होगा। लेकिन तुर्की सुल्तान प्रति लगाव रखने का रीजन भी यही था, जैसे 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 हिंदुओं ने कहा कि भाई हमारी प्राचीन सभ्यता की ओर उन्होंने ध्यान किया कि हमारी प्राचीन सभ्यता इतनी गौरवमयी रही है, ये रहा है वो रहा है, तो वैसे ही भारतीय मुसलमान थे, उन्होंने भी अपनी भावनाएं जो है मध्य मिडिल ईस्ट से जाके जोड़ ली, यानी मध्य एशिया के शासकों से जाके जोड़ ली। तो यही रीजन था कि ये लोग भी जो भारतीय मुसलमान थे इस बात से बहुत ही ज्यादा आहत हो गए कि भाई युद्ध छिड़ा है, हमारे जो धर्म गुरु हैं या फिर हमारे खलीफा हैं उनके खिलाफ ये हो रहा है। ऊपर से अंग्रेजों का भी रवैया जो था वो तुर्की के सुल्तान के प्रति अच्छा नहीं था, तो इस बात से खफा होकर यानी कि अंग्रेजों यानी कि इस बात से मुसलमान जो खफा हो गए, और जो मुसलमान अंग्रेजों के साथ थे वो अंग्रेजों के विपरीत हो गए, यानी अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए हैं, और अब राष्ट्रवाद के वाले उग्र राष्ट्रवाद वाले आंदोलन में ये शामिल हो गए हैं ऐसे करके। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे इस युद्ध के दौरान यहाँ पे एक दल भेजा गया है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे इसी में, डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया, ये पूछा जाता है, डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी क्रम में एक अगली हेडिंग आप डालेंगे यहां पर, यह है पंजाब हिंदू सभा, पंजाब हिंदू सभा। देखिए जैसे जैसे कुछ मुसलमान संगठनों की स्थापना भी हुई वैसे हिंदू संगठनों की स्थापना भी हुई। देखिए हिंदू संगठन जो थे कट्टर हिंदू संगठन थे, उनका मानना यह था, देखिए ये कुछ कहते नहीं है जैसे आज भी कुछ संगठन है वैसे उस समय भी संगठन सक्रिय थे, उनका मानना ये था कि भाई हमें आज़ादी में हमारा ये सब जो योगदान रहा है मुसलमान यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स ने मुगलों का शासन अंत किया है तो हमारे हिंदुओं के फेवर में है। ठीक है, उन्होंने इस तरह की मतलब भावनाएं फैलाई, इस तरह की नीतियां प्रचारित की। तो यहाँ पे आप पंजाब हिंदू सभा आपने हेडिंग डाल ली होगी, इसी में लिखेंगे स्थापना जो है 1909 में है, स्थापना डैश लगा के लिख लेना इसके आगे 1909 में। ठीक है, स्थापना जो है 1909 में, इसमें लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, इसके नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर इस बात के लिए चोटें की कि वे सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने ये कहा कि केवल जो भारत है वो हिंदुओं का राष्ट्र है तो हिंदुओं का ही रहना चाहिए, एकजुट मत करिए, इनका मानना ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देखिए इन्होंने एक बात और कहा, सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में हिंदू विदेशी सरकार को खुश रखें, यानी कि इनका मानना यही था कि यानी मुसलमानों का शासन अंत करने में जैसे मुगल साम्राज्य का अंत जो है अंग्रेजों ने ही किया, तो इनका मानना यही था कि हमें जो मुसलमानों से शासन से अंत दिलाने वाले अंग्रेज ही थे, तो इसलिए हमें अंग्रेजों का सम्मान करना चाहिए और अंग्रेज को खुश रखना चाहिए, ऐसा पंजाब हिंदू सभा ने कहा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, इसके नेता एक नेता लालचंद ने घोषणा की कि हिंदू स्वयं को पहले हिंदू और फिर भारतीय माने, ये थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, यानी कि इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ है, इसका पहला अधिवेशन हुआ है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, अब यहाँ पे उसी समय स्टार्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रवादी प्रथम विश्व युद्ध क्या परिणाम निकलता है वो भी हम जान लेते हैं। पहली बात तो जानते हैं कि कितने मध्य हुआ है ये। ठीक है, पहला पॉइंट ये नोट करेंगे, जून 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, पहले का पहला सब पॉइंट, इसमें एक ओर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान और अमेरिका भी बाद में उनसे आ मिला। ठीक है, सेकेंड सब पॉइंट, दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे, यानी एक तरफ तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, अमेरिका थे, दूसरी तरफ यहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। ठीक है, अब युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि अंग्रेजों का ध्यान भारत से हट गया होगा, भारत पर ध्यान इतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, भारत से जो चुनिंदा चुनिंदा इनके अफसर हैं, चुनिंदा चुनिंदा सैनिक हैं, ठीक है, ये सेनापति वगैरह हैं, उन्हें वो ले गए होंगे उस युद्ध में निपटने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो ऑब्वियसली बात है भारत में प्रशासन डामाडोल चल रहा था उस समय। तमाम जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका मानना यह था
इसी यही स्थिति है, ऐसी है कि इसमें हम ब्रिटिश सरकार को जड़ से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, ऐसा मानना था कुछ नेताओं का मानना, जबकि कुछ का मानना यह था कि नहीं, हमें निकाल के बाहर नहीं फेंकना है। अगर हम इस दौरान, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है, अगर इस दौरान हम ब्रिटिश सरकार की मदद कर दें, तो ब्रिटिश सरकार हो सकता है, यानी ब्रिटिश सरकार हमारे जो है हमारे वफादारी से खुश होकर हमें पुरस्कार के रूप में भारत का सुशासन प्रदान कर दे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो आगे यहाँ पे नोट करेंगे। हाँ, और एक बात बता दूं, जो तिलक को 6 साल की सजा हुई थी, तिलक भी 6 साल की सजा काट के 1914 में ये बाहर जेल से निकल आए थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अब उग्र राष्ट्रवाद का एक युग फिर से प्रारंभ होने वाला था, आरंभ होने वाला था। तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेकेंड पॉइंट, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग का निश्चय किया। ठीक है, सेकेंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, यह निश्चय इस गलत धारणा पर आधारित था कि कृतज्ञ होकर ब्रिटेन भारत की वफादारी का पुरस्कार, भारत की वफादारी का पुरस्कार स्वशासन के रूप में देगा, पुरस्कार स्वशासन के रूप में देगा। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी दौरान एक संगठन की स्थापना होती है, इसका नाम है होम रूल लीग। अब देखिए, होम रूल लीग की स्थापना क्यों हुई है? होम रूल लीग की स्थापना होने का रीजन ये था कि लोग देख चुके थे गर्म, यानी नरम पंथियों का पहले 20 साल रवैया देखा, उसके बाद गर्म पंथियों ने कहा कि हम अब परिवर्तन लेके आएंगे, लेकिन गर्म पंथी भी ठंडे पड़ गए। तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि भाई फिर से हम, हमारा आंदोलन जीवित हो, फिर से हमें कुछ नया कर पाए, इसके लिए होम रूल लीग बनाई गई। यानी इस समय जो है 6 साल की सजा काट के जो है तिलक भी बाहर आ गए हैं। ठीक है, एक दो नेता और भी हैं जो मतलब गर्म पंथ के समर्थन तो मैं तो है ही है, लेकिन वो भी चाहते हैं चेतना फिर से जागृत हो, तो इसके लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी कांग्रेस तो रही रही है, लेकिन होम रूल लीग की यहाँ पे स्थापना भी हुई है। वो कैसे हुई है वो हम जानते हैं। पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे आप, पहला पॉइंट पहला पॉइंट यहीं से है, कांग्रेस, यहां पे कांग्रेस लिख लेना, कांग्रेस नरम पंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। पहला पॉइंट यही है। ठीक है, इसलिए 1915-16 में दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। देखिए, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, कभी कभी कहते हैं सर होम रूल लीग की स्थापना हमने तो तिलक यहाँ पे सही लगाया है, एक में एनी वेसेंट है। देखिए, दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी, यानी कि ये इसलिए की गई थी कि भाई कोई भी अगर हमारे मतभेद हो तो हम अपने अपने तो हैं, यानी करता रहता, इसलिए की गई थी दो होम रूल लीगों की स्थापना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, पहले का सब पॉइंट, इनमें एक के नेता लोकमान तिलक थे, तो दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में था। यानी श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम एक तरफ थे और तिलक का होम रूल एक तरफ था। अन्य ठीक है, तो ये पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए, लेकिन एक यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि इन दो होम रूल लीगों ने कभी अपोजिट में कार्य नहीं किया, इन दोनों होम रूल लीगों ने मिलकर कार्य किया है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, इन दो होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस मांग को प्रचारित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल या सुशासन दिया जाए। ठीक है, यानी इन्होंने इस यह मांग प्रबल रूप से उठाई कि हमें युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार हमारे सुशासन सौंपे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। अब देखिए, सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, इसी आंदोलन के दौरान जो है, यानी इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि देखिए, होम रूल का मतलब होता है स्वराज, होम रूल की जगह हिंदी में लिख लीजिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये तिलक का नारा इसी होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं सब पॉइंट सेकंड का, इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं था कि इसे दबाने की कोशिश नहीं की हो गई होगी, दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग एक सकारात्मक पहलू की ओर आगे बढ़ रहे थे। यानी इन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जिससे कि सरकार इनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, ये एकदम सरकार के जो रवैया है, सरकार का ये प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक जो कार्यवाही का तरीका है, उसी के अनुरूप इन्होंने कार्य किया, कोई भी इलीगल कार्य नहीं किया।
ठीक है, तभी ये टिके रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में ले सके। लेकिन फिर भी सरकार ने दबाने की कोशिश की है। थर्ड पॉइंट यहां नोट करेंगे, जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए अगली हेडिंग जो है ये डालेंगे गदर पार्टी। गदर मूवी नहीं है ये, गदर पार्टी है। गदर मूवी तो पता होगा, फेमस यानी फेवरेट होगी आप में से काफी सारे लोगों की, गदर जो गदर मूवी है सनी देओल वाली। अब यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी जो है वो है गदर पार्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे किताबों में जो निबंधात्मक किताबें लिखी जाती हैं उन्हें थोड़ी सी खामी यही होती है कि राइटर जब लिखने बैठते हैं तो रम जाते हैं अपने टॉपिक में, तो क्या करते हैं कभी कभी एक ही टॉपिक के अंदर हेडिंग चेंज नहीं करते, उसी के अंदर दूसरी जो विषय वस्तु रख देते हैं। तो हम यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं, आपने हेडिंग डाली हुई गदर पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं गदर पार्टी की। अब देखिए पहला पॉइंट इसी में नोट करेंगे, यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ये गदर पार्टी की स्थापना में मूल रूप से यहाँ पर पंजाब के सिख किसान, भूतपूर्व सैनिक वगैरह थे जो वहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में गए थे, और वहाँ पर इन्हें तमाम तरह के नस्लीय भेद थे क्योंकि उस समय अमेरिका में अभी ब्रिटिश उपनिवेश बने हुए थे, तो उनका सामना करना पड़ रहा था। तो ये ऊपर से इन्होंने भारत में इनका अंग्रेजों का रुख देखा था, तो ये बिल्कुल अंग्रेजों के फेवर में नहीं थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपने ये नोट कर लिया होगा, गदर पार्टी की स्थापना की। अब पहले का सब पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे का सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, पार्टी का आधार उसका साप्ताहिक पत्र गदर था जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे, जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे। ठीक है, देखिए इन्होंने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें ये लिखा था कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए सिपाहियों की आवश्यकता है, इसके लिए इन्होंने रखा तनख्वाह जो है मौत है यानी इनाम शहादत है, इसकी पेंशन जो है आपको आज़ादी मिलेगी और लड़ाई का मैदान जो होगा भारत होगा, इस तरह के इन्होंने स्लोगन बनाए अपने अपने। ठीक है, ये आप याद रखना, मतलब लिखने की जरूरत इतनी नहीं है, अपने जैसे क्वेश्चन वगैरह मेंस वगैरह में आंसर लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 1914 में क्या होता है, यहाँ पे पहले का तीसरा सब पॉइंट है, पहले का तीसरा सब पॉइंट है। 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध फूटा, गदरपंथी हथियार और धन भारत भेजने लगे कि यहाँ के सैनिक और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह आरंभ किया जाए। यानी कि जैसे ही जो है प्रथम विश्व युद्ध फूटा है, वहां पर अंग्रेज जब घिर गए हैं, तो इसी दौरान जो है भारत में और संगठन सक्रिय तो थे, जैसे होम रूल लीग चल रहा था, लेकिन ये जो थे क्रांतिकारी आतंकवाद वाले समर्थक थे ये। ठीक है, तो इन्होंने उस समय भारत में हथियार भेजे हैं सैनिकों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए आर्थिक सहायता की है। ठीक है, ये आपने पहले का थर्ड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे इसी में, गदरपंथियों ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे भारत में सैनिकों से संपर्क किया और अनेक रेजिमेंटों को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, तैयार कर लिया, ये आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट। अंततः पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित हुई, ये सेकंड का सब पॉइंट है, अंततः पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित हुई। ठीक है, अब देखिए यहां पे दुर्भाग्य से क्या होता है, अंग्रेजों को पता चल जाता है इनकी जो है षड्यंत्र का, और ये क्या करते हैं अंग्रेज, इस रेजिमेंटों को तोड़ देते हैं, जो जो रेजिमेंट तैयार यानी कि जो फिर से यहाँ पे रेजिमेंट विद्रोह करने के लिए तैयार हुई थी उन्हें फिर से तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे यानी सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया। ठीक है, और विद्रोही रेजिमेंटों को तोड़ दिया गया और उनके नेताओं को जेल या फांसी की सजाएं दी गई, ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए फांसी की सजा या जेल की सजा जो हुई है उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, उनमें से अनेक ने रिहा होने के बाद पंजाब में कीर्ति यानी मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों की स्थापना की। यानी कि क्या होता है कि भाई गदर पार्टी वाला जो आंदोलन था, जो लोग चाह रहे थे कि भाई हमारे अनुरूप ऐसे हो जाएगा, हमारे विद्रोह फिर से भड़क उठेगा जैसे 1857 में भड़का था, वैसी हम आंदोलन बनाएंगे यानी अंदर से ब्रिटिश सरकार को कमजोर कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया ये। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाए हैं बाद में, थर्ड पॉइंट आपका यही है। आगे बढ़ते हैं थर्ड का सब पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रमुख गदर नेता इस प्रकार थे, बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह बखना,
रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्ला। ठीक है, ये सेकंड थर्ड का सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा गदर पार्टी से क्या क्या प्रभाव पड़ा है, चौथा पॉइंट आपके इसी क्रम में। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डूंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया है। ठीक है, यानी कि ये गदर पार्टी से बहुत प्रभावित थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक तीखी लड़ाई के बाद वे कुचल दिए गए, यानी सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोग थे, ये इनमें से एक तीखी लड़ाई के बाद इनमें से काफी सारों को कुचल दिया गया, दमन कर दिया गया है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था आपका, चौथे का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस तरह से तो इनका गदर वाला जो आंदोलन है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया है, कोशिश की है लेकिन इतने कामयाब नहीं रहे हैं। अब भारत में उस समय दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे, इसमें एक नाम आता है बाला जतीन या जतीन मुखर्जी का। तो यहां पे पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतीन मुखर्जी, जिन्हें बाला जतीन कहा जाता था, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। देखिए बालासोर में इनकी सभा चल रही थी, उसी दौरान पुलिस ने हमला कर दिया था, उसी में ये जो बाला जतीन मारे गए थे। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट है, नोट कर लेना आप। इसके अलावा जो प्रमुख नेता हैं जिन्होंने बाहर से उग्र राष्ट्रवाद को हवा दी है, उनमें कौन कौन से नेता शामिल हैं वो नाम लिख लेना आप, कौन कौन से हैं। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, चंपक रमन पिल्लय, सरदार सिंह राणा और मैडम भीकाजी कामा, कुछ ऐसे प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने भारत के बाहर से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं। ठीक है, ये आपका छठा पॉइंट है पूरा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग आपकी जो आती है ये आती है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी को बताया, नरमपंथी जैसे सत्ता में आ तो गए 1907 के बाद, लेकिन नरमपंथियों को एक बात तो दिखने लगी कि यार भाई हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। कम से कम गर्मपंथी थे वो गर्मी से अपनी बात कह दो देते थे अंग्रेजों से, हम तो कह ही नहीं पा रहे अंग्रेजों से। इस चीज को उन्होंने भी रियलाइज किया कि अंग्रेजों ने हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है। तो एंड में क्या होता है कि भाई दोनों में समझौते की बात होती है 1916 में आके सूरत लखनऊ अधिवेशन में, भाई गर्मपंथी नरमपंथी दल फिर से एक हो जाते हैं। तो यहां पर आप नोट करेंगे पहला पॉइंट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई, ये आपका पहला पॉइंट है। दो घटनाएं कौन कौन सी हैं, पहले का पहला सब पॉइंट। पहली यह है कि कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए, पहली है कि कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। देखिए पहले पॉइंट का, पहले सब पॉइंट का एक सब पॉइंट और है, क्या है वो लिख लेना यहां पर। ठीक है, हाँ यही है, पहला सब पॉइंट और है, इस तरह से लिख देना डबल, मैंने देखिए डबल निशान इसलिए बना देता हूं कि ये सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट चल रहा है। ठीक है, इस तरह से निशान बना दिया है मैंने यहाँ पे। तो देखिए राष्ट्रवाद की उभरती लहर ने पुराने नेताओं को भी मजबूर किया कि वे लोकमान्य तिलक और अन्य उग्र राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था ये वाला अधिवेशन, यानी ये वाला समझौता। समझौता क्या, फिर से विलय एक तरह से आप ये कह सकते हैं, तो ये नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया है, अब पहले का सेकंड सब पॉइंट है। दूसरे यानी कि दूसरा है, लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने सांझी राजनीति की मांगे रखी, यानी कि अब यहां पर इन दोनों का पैक्टर हो जाता है, किस किस का, कांग्रेस का मुस्लिम लीग का भी, लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर इन दोनों को जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने पैक्ट क्यों किया है, पैक्ट करने का रीजन ये था कि सरकार ने कुछ इनके जो क्रांतिकारी लोग थे जैसे अबुल कलाम आजाद थे, इनका अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल पत्र निकलता था, मौलाना मोहम्मद अली का यानी मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें कहा जाता था, इन्हें कॉमरेड निकलता था, इसको प्रतिबंधित कर दिया यानी बंद कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अली भाई एक थे, इन्हें मोहम्मद अली शौकत अली, और इनको नजरबंद भी कर लिया था। तो इससे जो थे तमाम जो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक मुसलमान थे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो समर्थन यानी कि अब तो समझौता करवाओ, तो कैसे भी करके उन्होंने मुस्लिम लीग को राजी किया है कि भाई कांग्रेस से आप समझौता कीजिए। ऊपर से मैंने बताया था कि तुर्की में उनके खलीफा के विरुद्ध जो है तमाम तरह से अंग्रेज भी जो है उनके फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट जा रहे थे, तो इस बात से भी ये लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, तो देखिए ये साइड में कहीं लिख लेना, ये आगे पीछे ये जब मैं लाइन पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ नोट लगा के खुद ही लिख लेना कि अबुल कलाम आजाद का पत्र कौन सा है, अल हिलाल है, मौलाना मोहम्मद अली का कौन सा है, कॉमरेड है। ठीक है, ये नाम याद रखना केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया है, अब सेकंड सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे इसी में ही।
देखिए इन दोनों को करीब लाने के लिए ये दोनों ये संगठन है, मुस्लिम लीग कांग्रेस, देखिए पहले का ए बना दे रहा हूं यहां पे, नहीं पहले का सेकंड सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट ए सब पॉइंट है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की रही, क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। देखिए उस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भारत के हितैषी रहे हैं, ये भारत के अंगेष्ट नहीं गए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू व्यक्ति हैं, यानी कि हिंदू व्यक्ति थे ये, इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया था। इनके धर्मांतरण के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना आप कहीं से, ठीक है। यानी कि ये हिंदू हैं ये, जिन्हें लोग आज पाकिस्तान कहते हैं गर्व से कि भाई हमारे पितामह हैं, सच बात तो ये वो हिंदू व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि मुस्लिम तो थे ही नहीं, वो पैदाइशी मतलब मुस्लिम नहीं थे, उनके जो बाप दादे थे वो सब हिंदू ही थे। तो यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने, यानी कि सेकंड सब पॉइंट का ए सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसने क्या क्या यानी हुआ है यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो इनका पैक्ट हुआ है यानी कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ पे शिक्षित हिंदू मुसलमान तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो तमाम निचला वर्ग था मुसलमानों का, इन्हें फिर से शामिल करने की कोई जो प्रयास नहीं किया है, ये इनके लिए फिर से एक भूल साबित हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहीं पे, यानी कि बी सब पॉइंट है, यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट का बी सब पॉइंट है। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुस्लिम जनता को शामिल नहीं किया और अलग अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, यानी कि इन्होंने जो प्रैक्टिकल तौर पर ये चीजें नहीं की हैं, जिससे क्या है फिर से वही वैचारिक वैमनस्य बना ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए उस समय क्या था कि जब इनमें फिर से पैक्ट हो गया है तो फिर से देश में एक नई लहर उठ खड़ी हुई है। इस समय होम रूल भी सक्रिय था, ऊपर से कांग्रेस भी फिर से अपने उसी पुराने फॉर्म में लौट आई, यानी कि नरमपंथी गरमपंथी दोनों मिल गए, ऊपर से मुस्लिम लीग भी मिल गई, तो देश में एक उत्साह का माहौल था। तो यहाँ पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट, नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश अत्यधिक राजनीतिक उत्साह से भर उठा, ये सेकेंड पॉइंट है आपका। अब देखिए सरकार उस समय, सरकार भी बड़ी होशियार थी, सरकार ने कहा कि भाई ऐसा हमें कोई कदम नहीं उठाना है जिससे कि ये लोग एकदम उग्र आंदोलन स्टार्ट कर दें। तो सरकार ने इन्हें समझाने बुझाने के लिए फिर से एक यहाँ पे लॉलीपॉप दिया है, ठीक है, लॉलीपॉप ही बोलूंगा मैं, कि सरकार ने इन्हें फिर से समझाने बुझाने के लिए एक फिर से यहाँ पे लॉलीपॉप दिया है कि ताकि ये जनता जो उग्र ना हो जाए, क्योंकि सरकार को भी दिख रहा था कि अब तो बहुत बड़ा संगठन बन गया, मुस्लिम भी मिल गए इसमें आके। तो थर्ड पॉइंट नोट करेंगे इसी में, सरकार ने राष्ट्रवादी जनता जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया और 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की आधिकारिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। यानी उन्होंने, ये अंग्रेजों ने खुद मान लिया है कि ये यहाँ पर हमें स्वशासी संस्था स्थापित करने की हमारी नीति थी, हम ये चाहते थे केवल कि ये भारतीय शिक्षित हो जाए ताकि अपना शासन स्वयं चला सकें, इस तरह का उन्होंने तर्क दिया है, ठीक है। तो थर्ड का सब पॉइंट और नोट कर लेना, फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, यानी इसी के उपरांत उन्होंने फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की है। अब देखिए ये मॉले मिंटो रहा या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड है, इन सब के बारे में आपको जो इंडियन यानी पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की, बहुत डिटेल में लिखा है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए ये पॉलिटी का ही पार्ट है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मुझे एक व्यक्ति ने सजेशन दिया कि सर आप स्टैंडर्ड जो बुक हैं उनसे नोट्स बनवा दीजिए, स्टैंडर्ड बुक से। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा श्रीमान जी को कि आपने जो बिपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है या फिर रामसर शर्मा है, तो ये बुक जो है ये स्टैंडर्ड बुक ही में काउंट होती हैं, ठीक है। यानी आप इन्हें एनसीईआरटी के में काउंट मत करो, ये ओल्ड एनसीईआरटी जरूर है लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक ही है, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है स्टैंडर्ड बुक जैसे हैं, अब मैं पॉलिटी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए लोग, आप लोग डिमांड ये करते हैं भाई एक दिन में 2 से 3 वीडियो में मिल जाएं, हकीकत बात यह है कि अकेले यानी इतनी इतनी हैवी बुक है आपकी, 800 800 900 900 पेज की जो बुक है, अकेले बैठ के कंटेंट खुद तैयार करो, यानी कि पहले तो नोट्स खुद तैयार करो, उसके अलावा फिर लैपटॉप में भी अरेंज करना है, खुद से रिकॉर्ड भी करना है, ये अकेले इतने सब काम पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। ये तब पॉसिबल हो सकते हैं 2 से 3 कैंडिडेट सपोर्ट भी करें, तो मैं एग्री हो जाऊं भाई कि हम, हाँ भाई मैं डेली 2 सब्जेक्ट की वीडियो पैरल पैरल में ला सकता हूँ, लेकिन जब अकेले ही करने वाले हैं तो भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे भी 4 4 हाथ नहीं है, यानी कि एक टाइम लगता है उसमें, नोट्स अपने खुद तैयार करने में, नोट्स आपके लिए कंटेंट
जो है सेलेक्टिव कंटेंट बनाने में तो टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ उठाया बस उठा के पटक दिया। अगर ऐसा अगर मैं करता तो यकीन मानिए आज जो जो 10-20 लोग भी नोट्स बना रहे हैं यहाँ तक मेरे साथ में, वो लोग भी नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि हम नोट्स बनवाएंगे आपके, बिल्कुल बनवाएंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए। अगर आपको थोड़ा, अगर आपको ये लगता है कि सर जल्दी बनवाएं नोट्स, तो अगर आप में विलिंगनेस है, अगर आप में थोड़ा सा अभी मेरे लिए समर्पण है, तो आप कह दीजिए हाँ सर मैं सपोर्ट करूंगा आपको, आप बताइए मुझे क्या करना है, तो फिर मैं वो बात भी सोचता हूँ आगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।